नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। दिल्ली NCR में सोमवार के 4:15 के करीब भूकंप के झटका महसूस भइल। भूकंप के बाद लोग घर से बाहर निकल के खुला जगह की ओर बढ़त दिखाई देता रहे। दिल्ली से सटल नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, अवुरी, गाजियाबाद में भी भूकंप महसूस भइल। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप के केंद्र नेपाल रहल आ एकर तीव्रता रिक्टर पैमाना पर 5.6 नापल गईल बा। दिल्ली के अलावे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में भी तेज भूकंप के झटका महसूस भइल। एकरा से पहले शुक्रवार के देर रात भी तेज भूकंप के झटका महसूस भइल। आंकड़ा के मुताबिक नेपाल में पछिला 11 महीना में 4 तीव्रता से ऊपर के 70 से ज्यादे भूकंप आयल बा। एह में से 13 गो भूकंप आयल जवना के तीव्रता 5, 6 गो भूकंप रिक्टर पैमाना पर 6 भा ओकरा से अधिका तीव्रता के आयल। दिल्ली NCR से लेके पूरा उत्तर भारत तक प्रदूषण के चलते जीवन मुश्किल हो गईल बा। दिल्ली में जहरीला धुआं पसरल बा। दिल्ली में आजू लगातार 7वां दिन सांस लेबे के संकट रहे। हवा में जहरीला धूल के कण के स्तर 471 पावल गई। पंजाब से UP हरियाणा तक ईबा कि हवा खतरनाक से जहरीला हो गई बा। दिल्ली में प्रदूषण के बेहद खतरनाक स्तर के बाद देश के राजधानी एक हफ्ता खातिर गाड़ी खातिर विषम सम लागू हो गई बा। स्कूल भी बंद रही, केवल 10वीं या 12वीं कक्षा ही चली। दिल्ली सरकार निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दे ले बया। प्रदूषण के चलते सरकार के ई फैसला लेवे के पड़ल बा। काल्हू छत्तीसगढ़ में पहला चरण के मतदान होवे वाला बा। ओकरा पहले भाजपा आ कांग्रेस का बीच भ्रष्टाचार पर कड़ा शब्दन के लड़ाई चलत बा। महादेव ऐप के मामला में छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के नाम सीधा सामने आ रहल बा। भाजपा बघेल पर हमला कर दिया। भूपेश बघेल आज कहले कि 17 तारीख तक ऐसन कहानी आवत रही। वो आरोप लगौले कि भाजपा के नजर छत्तीसगढ़ के चुनावी खदान पर बा। बघेल महादेव गेमिंग ऐप के मुख्य आरोपी शुभम के वीडियो बयान पर कहले कि वीडियो में बहुत कट पेस्ट दिखाई देता। विधानसभा चुनाव में आजू के दूगो बढ़न खबर ई बा कि आजू राजस्थान में नामांकन के आखिरी दिन रहल। आ आखिरी दिने CM अशोक गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा सीट से नामांकन दाखिल किले बाड़न। दूसरा खबर ई बा कि पहला चरण के मतदान भी काल्हा यानी 7 नवंबर के छत्तीसगढ़ में होखे वाला बा। छत्तीसगढ़ में पहला चरण में 20 सीट पर मतदान होखे वाला बा। जवना में 10 सीट पर सवेरे 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होई। अवुरी 10 सीट पर सवेरे 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होई। एकरा अलावे काल्हू मिजोरम में मतदान भी होखे वाला बा। एक दिवसीय विश्व कप 2023 के 38वां मैच में कुछ ऐसन भइल जवना के देखला का बाद केहू के विश्वास ना भइल। श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करे खातिर क्रीज पर आइले, बाकिर अंपायर उनुका के वापस जाए के कहले। अंपायर लोग कहल कि मैथ्यूज आउट हो गईल बाडन। अंपायर आ मैथ्यूज का बीच बहुते देर ले बहस भइल, बाकिर आखिर में उनुका पीछे हटे के पड़ल। मैथ्यूज के टाइम आउट हो गईल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहला बेर कवनो बल्लेबाज के टाइम आउट हो गईल। दरअसल पारी के 24वां ओवर के दूसर का गेंद पर विकेट गिरल। एकरा बाद एंजेलो मैथ्यूज के बल्लेबाजी करे आवे के पड़ल। उ मैदान में आयल लेकिन हेलमेट के पट्टा ठीक ना रहे। ऐसना में उ सही हेलमेट के इंतजार करत रहले। अवुरी जब सही हेलमेट पहुंचल त गेंद खेले खाती तैयार हो गईले। तब तक अंपायर उनुका के वापस जाए के कहले। ई सुन के मैथ्यूज अचरज में पड़ गईलन। जब उ अंपायरन से एकर कारण पूछले तो ओह लोग के पता चलल कि उनुका क्रीज पर आवे में बहुते देर हो गईल बा। आ उ टाइम आउट हो गईल बाडन। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।